आज के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा जसपाल अलग अंकल को कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। मेरा नाम जसपाल अलग है और मैं आज अपने को इतना फॉर्चुनेट समझता हूं कि गुरुजी ने मुझको ये मौका दिया है कि मैं थोड़े से गुरुजी के गुणगान कर सकूं। और बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं गुरुजी को पहली बार अगस्त 98 में छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट जिसको कहते हैं वहां पे उनके चरण छूने का मुझको गुरुजी ने मौका दिया। मैं अभी बताना चाहता हूं कि मैंने गुरुजी को जब देखा और इस तरह मैंने औरों से भी पूछा है इंक्लूडिंग ऐसे भक्त जो बहुत ही क्लोज थे गुरुजी के कि उन्होंने क्यों नहीं समझा कि ये भगवान है। जैसे नरेंद्र अंकल से उस दिन मैंने पूछा तो कहने लगे सब कुछ होने के बाद जब वो दिखते थे एंड में उनका बिल्कुल एक मनुष्यता की तरह बिहेवियर तो वो सोच उन्होंने उनको नहीं लगा कि ये भगवान के साथ है। तो मेरे को क्यों ऐसा लगा, मैंने देखा गुरुजी कई बार जब लड्डू का प्रसाद देते थे एंड में जो चूरा बच जाता था गुरुजी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसकी जो चूरा बच जाता था उसकी फक्की लगा देते थे मुंह में डाल के। उनकी ड्रेस जो थी वो उन दिनों में थोड़ी आगे से खोल के चलते आते थे जब, तो वो ऐसा लगता था जैसे गोगिया पाशा की ड्रेस है। और जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला और मैंने उन्होंने पूछा कहाँ कितों आया है तो मैंने कहा नोएडा तू, तो उन्होंने मुझे कहा नो आइडिया। तो इस तरह से ये चीजें मुझको बड़ी अम्यूजिंग लगी और मेरे को आज एहसास होता है कि पर्पसली गुरुजी ने मुझको अपने से उसकी वास्तविकता से दूर ले गए जो मैं समझ ही नहीं पाऊं कि कौन है। गुरुजी ने मैंने देखा बहुत लोगों को डांस करवाते थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं मेरे एडमिशन होने के बाद राइट फ्रॉम 98 अगस्त से लेके टिल 2007 मेरे को हंड्रेड्स ऑफ टाइम गुरुजी के चरण छूने का मौका मिला। तो इस दौरान में मैं देखता था कि लोग सर्टन ओकेजन नॉट ऑलवेज उठ के डांस करने लगते थे गुरुजी के सामने। कई लोगों को वो गाना भी गाने को कहते थे और स्पेशली मेरे को डॉली नारंग आंटी का बहुत याद है, कई बार उनका मैंने सुना। तो ये बट एक चीज मैं देखता था उनकी तरफ कि गुरुजी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो नीचे देख के वो सीरियस हो जाते थे। बट उस टाइम भी हम ये समझ नहीं सके। तो इस तरह के माहौल में हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। और मैं और सो आपको बताता हूं कि पहले दिन जब मैं गुरुजी को मिला, अभी बताऊंगा किस तरह मैं मिला, तो मैंने जब उनके चरण जो नीचे पड़े थे उनके ऊपर अपना स्मेल किया तो मुझको रोज की स्मेल आई और मुझको ऐसा महसूस हुआ दिल में आया कि ये सेंट लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये सब चीजें मिला के कुछ ऐसा हुआ कि कभी एहसास ही नहीं हो कि हम एक साक्षात शिवजी महाराज के सामने बैठे हैं। शायद ये गुरुजी की अपनी ही, शायद क्यों पक्का उन्हीं की अपनी ये एक इफ आई कैन से चाल थी जिससे कोई समझ ना सके। और मैं ये बताता हूं कि काफी दिन तक 98 में मैं देखता था ज्यादा संगत नहीं आती थी। और जबकि मुझे स्लोरी बाद में पता लगा कि उनके चंडीगढ़ में जलंधर में हजारों उनके फॉलोअर थे, वो ढूंढते रहते थे पूछते रहते थे किधर हैं गुरुजी, तो गुरुजी ने बताया नहीं। ये नेवर बिलीव्ड इन पब्लिसिटी, नेवर लेट एनीबॉडी नो वेयर इज ही। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आर्मी का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं और मैं 6 साल दो भागों में जलंधर में पोस्टेड था। और उसमें एक बार मैं जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में भी साल डेढ़ साल रहा वहां पर।
उन दिनों में बहुत कम घर बने हुए थे और सड़क जो थी अभी ये कर्व होके मंदिर राइट में जो है, बट एक कोई मंदिर था जिसके ऊपर फ्लैग लगा रहता था और हम सुनने में आता था कि ये शिव मंदिर है, वो लेफ्ट रोड के लेफ्ट में था और रोड सीधी थी फाटक तक, और एक कॉर्नर में मैं रहता था एक साइड में और सामने एक एसपी पुलिस रहते थे, मुझको बाद में पता लगा वो मेरे ख्याल डीजी पुलिस पंजाब बन गए थे और गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे को उनका नाम इस वक्त ध्यान नहीं है। तो जलंधर में भी थोड़ा बहुत मुझको तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी ने कभी बुलावा नहीं आया, मेरे घर से करीब 100-150 गज पे वो मंदिर था जो था, मगर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा सुनने में आता था मेरे बाद के टेन्योर में 81, 82, 83, 84 में कि इस तरह से एक गुरुजी हैं, एक कर्नल थे एयर डिफेंस रेजिमेंट कमांड कर रहे थे, उन्होंने एक बार बताया कि उनके ऑफिस में गुरुजी आए और आके 11:30 कुछ बजे कहते चाय पी नहीं है, तो वो उसकी एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट दिल्ली से फ्लाई करके आ रहा था उस मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वो जब गुरुजी आ गए तो वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि 1 बजे तू पहला नहीं आएगा, बट ही स्टिल केप्ट ऑन सीइंग हिज वॉच, तो गुरुजी ने कहा कि चलो चल दें उठे, सो दे वेंट टू द हॉस्पिटल, दे सेट डाउन आउटसाइड ऑन द सोफा, एग्जैक्टली 1 बजे ही वो डॉक्टर अंदर आया, ये मैं सुनता था। मैंने ये भी सुना था कि कोई कपूरथला से बच्चे को लेकर आए थे, उसको पोलियो था और वो गुरुजी के सामने बिठा दिया, गुरुजी ने उसको जोर से बोला चल, और वो उठ के वहां से चलने लगा, भागने लगा। और एक ये मैंने सुना था उस वक्त कि कोई अंकल आए गुरुजी को मिलने, तो वो गुरुजी फर्स्ट फ्लोर में थे तो काफी देर वेट करते रहे, वेट करने के बाद वो ही लॉस्ट हिज पेशेंस, तो वो ऊपर गए और आस्ते से दरवाजा देखा तो देन ही सॉ दे वर टू और वन और टू लायंस इनसाइड। तो ये सब हमने सुना था, बट स्टिल यू नो क्योंकि गुरु जी का बुलावा नहीं था तो हम वहां पर नहीं जा सके। अब मैं बताता हूं कि अगस्त 98 में हमने अपने बेटे का रिश्ता रोका, रिश्ता कर दिया था, एंड मैं घर के बाहर अपने सड़क के ऊपर खड़ा था दोपहर के वक्त, तो एक अंकल एक जनरल थे, उनको मैं थोड़ा बहुत जानता था, ज्यादा इतनी वो नहीं थी, हाय बाय थी सिर्फ, जनरल सुकू। तो आए, उन्होंने अपनी कार रोकी और आउट ऑफ द ब्लू विद नो कॉन्टेक्स्ट कहते कि मैं अभी गुरुजी के पास गया था, वहां पे मेरे बेटे की शादी का पहला कार्ड देकर आया हूं। तो मैंने कहा कौन है ये गुरुजी, तो उसने ऐसे बताया रफली कि ऐसे धीरिया मोड़ है छतरपुर में और वहां पे एक अंपायर सीट है, वहां शाम को गुरुजी मिलते हैं। तो हमने सिंस रिश्ता किया था तो ऐसे दिल में हुआ, और शायद यही गुरुजी का बुलावा था कि बिना कुछ फर्दर बातचीत किए हुए हम और आंटी जो थी दोनों शाम को वहां पर ढूंढते ढांढते पहुंच गए। ढूंढना क्या था कि गुरुजी का ने ही सब डायरेक्शन दिए, कार भी उन दिनों में हम अंदर ले जाते थे, एम्पायर स्टेट इतना बना नहीं हुआ था, वी यू कुड पार्क योर कार इनसाइड, अंदर मैंने डजन्स ऑफ टाइम्स पार्क माई कार इनसाइड, जो अभी मंदिर के राइट में जगह है खाली जहां पर बाउंड्री बनी है, अभी कोई फंक्शन होता है तो वहां बैठते हैं, वो बाउंड्री वॉल नहीं थी, वहां भी कई बार हमने कार बनाई, जो लेफ्ट में फेसिंग गुरुजी मंदिर लेफ्ट में जो घर है वो था, उसमें कई बार लंगर वगैरह भी हो जाता था ऑन सर्टन ओकेजंस। तो हम वहां गुरुजी के पहुंच गए, अंदर गए, बाहर देखा, हमने थोड़े से जोड़े पड़े थे तो देखा 8-10 लोग बैठे थे, और एक लकीली हमारे से आगे अंकल थे और उन्होंने माथा टेका, तो हमको एहसास हुआ कि हमको भी माथा टेकना है, तो हमने भी गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी ने सीधा ही पूछा कित्थू आए हैं, तो मैंने बोला कि नोएडा तू, तो गुरुजी ने बोला कि नो आइडिया, सो आई स्माइल्ड एंड गुरुजी ने शायद कहा कि की गल है या किस वास्ते आया, दैट आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने ऐसे बताया कि गुरुजी मेरे बेटे का हमने रिश्ता किया है, उसकी शादी, तो मुझको ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ब्लेस करते हैं,
तो गुरु जी ने कहा कि उन्होंने फोटो लेके आ कल। तो हम बैठ गए जैसे सब बैठे थे, और शायद गुरु जी ने उस टाइम वो जो प्रसाद होता था प्रसाद दिया खूब भर भर के, और फिर उसके बाद लंगर हुआ। लंगर के बाद हम घर चले गए, और अगले दिन हम बच्चों की दोनों की फोटो लेकर आए, गुरु जी के हाथ में दी, उन्होंने उसको देखा, और देख के अब और ज्यादा मुझे याद नहीं, मेरे हाथ में दे दी वापस। ही स्माइल एंड गिव इट बैक टू मी। तो वी टेक इट, वी अंडरस्टूड गुरु जी एज ब्लेस्ड, बिकॉज बाद में हमारी शादी के बाद करीब एक साल बाद और कुछ टाइम बाद हमारी समधन माँ गई, तो गुरुजी ने, मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया उनको, तो जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी सीधे कहते तेरी कुड़ी दा व्याह मैं कराया। सो गुरुजी दैट मींस हैड ब्लेस्ड देम। अब मैं आपको बताऊंगा शुरू में कि गुरुजी को अगस्त में मिलने से लेकर हमारे बेटे की शादी जो थी वो मार्च 99 में थी, तो 7-8 महीने थे। तो हम उन दिनों में सातों दिन संगत आती थी, थोड़े से लोग आते थे, और हम सातों दिन ही चले जाते थे। बाद में मुझे थोड़ा ऐसा ऐसे लाइट अवेन, आई सॉ माय आंटी वाज हैप्पी गोइंग देयर, बिसाइड्स ऑफ कोर्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, कि उसके बाहर उन दिनों में ये पूरा मार्केट डेवलप नहीं हुआ था, मगर एक क्योरियो की दुकान थी, तो आंटी जब हमारी बहू भी आ गई तो वो दुकान में घुस जाती थी। तो वी यूज्ड टू वेरी रेगुलरली गो देयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी को उस टाइम जब मैं गया अंदर पहले दिन ही, तो एक सज्जन गुरुजी के पीछे खड़े थे, उनको गुरुजी ने कहा इधर नंबर नोट कर ले। सो आई थिंक ही नोटेड डाउन ऑन ए डायरी माई नंबर, एंड उन दिनों में मोबाइल नहीं था 98 में, तो मैंने अपना लैंडलाइन नंबर दिया। तो आज मैं उसको समझता हूं कि ये गुरुजी ने हमको एडमिशन दे दिया, एंड दैट इज द रीजन दैट फॉर लास्ट फॉर ऑल दीज 9 लॉन्ग ईयर्स हमारे पास कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम कभी भी आते थे। हमारा ग्रैंडसन भी हुआ वहां पर गुरुजी की ब्लेसिंग से, उसको हम ले जाते थे, हमको ऐसा कोई नहीं हुआ कि आज मंडे को आओ ट्यूजडे को आओ। सो आई थिंक वी गुरुजी हैड गिवन अस एडमिशन। अब मैं आपको कुछ एक बताऊंगा, इस दौरान में गुरुजी ने आप प्रसाद देते थे बर्फी का हलवे का, और कभी कभी अमृती, बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट लगता था वो। और मैं उन दिनों में एकदम बॉर्डर लाइन डायबिटिक केस था, आई वॉज नॉट डायबिटिक बट मेरे को पता है कि बॉर्डर लाइन था, डॉक्टर मुझको कहता था कि बिल्कुल मीठा नहीं खाना है। और गुरुजी ने एक दिन मुझको 4 मेरा ख्याल है मिर्ची दी मोटी मोटी, और उसके बाद मुझको बुलाया कहते कमांडर और एक 4 और दे दी। आज मैं देखता हूं ये सब सुन के कि गुरुजी किस तरह से डायबिटिक ठीक करते थे। आज तक संगत जी आई हैव नो प्रॉब्लम ऑफ डायबिटिक। विद इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ ऑफ गोइंग देयर, मैंने देख, एक दिन हम बैठे थे तो गुरुजी ने ऐसी सडनली ऊपर देखा राइट में, जो उनके उनका एक स्वरूप टंगा हुआ है उसमें से कहते वो देखो अमृत गिर रहा। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस गॉट अप एंड वी टच्ड इट, इट वाज ऑल वेट इनसाइड आउटसाइड, और उसमें बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, बट यू नो वी टुक इट नथिंग दैट टाइम ग्रेट अबाउट इट। दूसरा मैं देखता था कि गुरुजी अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ फोरहेड को मलते थे, और एक डीप टैटू त्रिशूल का टैटू बन जाता था। ये डजन्स ऑफ टाइम्स आई सॉ दिस, और बल्कि मैं हमेशा देखता रहता था कि गुरुजी कब वो टैटू दिखाएंगे। और स्टिल क्योंकि हमारे दिमाग पे पर्दा डाला हुआ था, वी कुड नेवर अंडरस्टैंड द रीजन फॉर शोइंग दिस। गुरुजी की माता हमको पता लगता था, ये उसकी नीस है, गुरुजी की एक छोटी सी बच्ची थी, वो कभी डांस में शामिल हो जाती थी, और
गुरु जी की माता थी, हमको पता लगा मदर हैं ये, वो भी ऐसे ही ग्रेसफुल थी और बिल्कुल गुरु जी से जैसे उनकी ब्यूटीफुल स्किन। तो एक दिन मैं माता जी के साथ बैठा और मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, माता जी गुरु जी ने वास्ते दसो। तो उन्होंने चंद एक बातें बताई, बट नाउ 22 ईयर्स बैक आई रिमेम्बर्ड ओनली 2-3 थिंग्स। वन इज दैट गुरु जी सेड, माता जी सेड कि जद इन्हां दा जन्म होया ते दाइयां ने कहा तेरे घर शिव जी दा जन्म होया। दूसरा उन्होंने कहा कि गुरु जी दे टीचर जब स्कूल जाते थे कंप्लेंट करते थे पुठी किताब पढ़ते हैं। And I think third that I remembered is that they said the Guruji gayab ho gaye sige, hun sanu pata lag gaya itthe aaye haan. So we did not of course take it very seriously whatever she mentioned. Main dekhta tha Guruji apne kamre se jab aate the to unki blue light hoti thi unke kamre mein. Mere ko Sudha aunty ne pichle saal bataya ki wo har insaan different light dekhta tha unke kamre mein. एक दिन मैंने अरुण छोरी को भी देखा जिनको मैं जानता था पहचानता था, वो डिसइन्वेस्टेड मिनिस्टर थे वाजपेयी गवर्नमेंट में। वो आए, मैं पहचाना, मैं नीचे सीढ़ी के पास ही बैठा था उस दिन। ये विंटर का महीना था 98 के, और वो नीचे उतरे और उसके पीछे हमने एक लेडी देखी जिनको दो चार आदमी उठा के ला रहे थे। हमें पता लगा ये इनकी मिसेज हैं, और बाद में हमने देखा अगले दिन ही वो चल के आ रही हैं। और फिर सुनने में आया वो काफी एक्टिव हो गई और काफी डांस भी उधर करती थी, मगर तब भी कोई घंटी नहीं बजी इस इनके अंदर। हमने एक बार मेरे ब्रदर आए थे, अमेरिका में रहते थे, वो मैंने गुरुजी को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे गुरुजी मेरे बड़े ब्रदर है, गए अमरीका रहते हैं। तो गुरुजी ने जनरल ग्रेवाल को, जिनको मैं जानता था, वो एडजुटेंट जनरल थे आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं भी आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि ग्रेवाल अंकल को कि इनु दस मेरा। तो आई रिमेम्बर दिस जनरल ग्रेवाल टोल्ड सेड दैट इनके हर इवन यू नो इवन अ सेट हैज गॉट फ्रेग्रेंसेस, अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस कम्स इवन इज urine has smoke fragrance. This I remember this. But you know, I also there was one SK Chandra uncle, जिनका एक छोटा सा सत्संग भी है और वो इसी के बारे में है कि उनके जन्मदिन पे, I think 2001 में, मेरे पास वो leaflet अभी भी पड़ी है जो सबको बांटी गई थी, और उन्होंने किस तरह गुरुजी को describe किया था as a भगवान। उन्होंने कहा था कि देवर jubilations in the heaven, there were celebrations in the skies, there were tumultuous feelings in the on the earth because God had decided to adopt a human form. Aur is tarah karke unhone bataya tha ki on this day, this mass of humanity tells thee we are grateful to our Lord for your generosity. And many happy returns of the day, all of us present here seem to say. But still, you know, I think must have joined the chorus, but never more than that. इस दौरान के अंदर हमने गुरुजी के साथ बहुत सारी चीजें देखी, कई एक फंक्शन लोहड़ी में गुरुजी भी बाहर आए, और बाहर जो रास्ता है उसके ऊपर, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता था, इतने लोग नहीं थे वहां पर, तो वहां पे लोहड़ी जलाई गई और सबने जो 8-10-15 लोग थे संगत थी, उन्होंने चक्कर काटे, गुरुजी वहीं खड़े रहे, फूलियां भी उन्होंने बांटी, मूंगफली बांटी, और जिस तरह से वो करते हैं ये देखा। और गुरुजी ने एक क्या नाम रक्षाबंधन पे हमारी आंटी ने भी उनको राखी बांधी, और उन दिनों में ये आरती वगैरह नहीं थी देखी थी, मगर एक ये जो लेडीज अपना फास्ट करती हैं करवा चौथ का, उसका हमारी आंटी बताती हैं कि किस तरह से बार बार अंकल लोग बाहर जाते थे देखने कि चांद निकला है कि नहीं, और गुरुजी ने हंसते थे जब वो जाते थे और देख के कहते थे अभी नहीं निकला, तो फाइनली गुरुजी ने कहा जाओ हुन निकल आया है,
और उन्होंने कहा कंट्रोल पे थे है, हमारी आंटी बताती थी ये। अब मैं बताता हूं कि इसी दौरान में हम लड़के की शादी करने वाले थे, मार्च 99 में हमारे लड़के की शादी थी और हमने अपने नोएडा में ग्राउंड फ्लोर में रहते थे तो फर्स्ट फ्लोर बिल्ट किया था, बनाया था और विद बोथ दीज एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस हमारे पास पैसे की इतनी ज्यादा वो सफिशिएंट जस्ट टू लिव वेल। तो एक दिन हमारी आंटी कहने लगी कि ये हम एक ये छज्जा थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर गमले लगा सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, और मैं उसको फाइनेंशियल रीजन से उसको मना कर रहा था आंटी को कि नहीं करेंगे हम, और करते करते इट इन्वॉल्व्ड इनटू ह्यूज आर्गुमेंट बिटवीन टू ऑफ अस। और हम जा रहे थे गुरुजी के मंदिर, दिस वॉज समवेयर इन अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर ऑफ 1998 और इट अमाउंटेड टू वर्चुअली दैट वी वर शाउटिंग एट ईच अदर। हमारा ड्राइवर आगे ड्राइव करके ले जा रहा था और इट ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू लाइक अ काइंड ऑफ अ फाइट, नो फिजिकल फाइट बट आर्गुमेंटेटिव फाइट। हम गुरुजी के पास पहुंचे, लंगर किया हर दिन की तरह। जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने हम दोनों को कहा कि तुसी 5.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर जाके दियो, चढ़ा के आओ। संगत जी, दिस वी डिड। गुरुजी जानी जान है। दैट वाज द डे वी हैड दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। आई डू नॉट थिंक दैट टिल डू डेट वी एवर हैड सच काइंड ऑफ ए आर्गुमेंट एट ऑल। नाउ मैं आपको अब बताऊंगा कि मैरिज, हमारे बेटे की मैरिज 27-28 मार्च को प्लान थी और मैरिज जो थी वो लड़की वालों ने ये वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में ऑर्गेनाइज की थी और वहाँ गुरुजी ने की ब्लेसिंग से इतना ब्यूटीफुल माहौल था और I had fortunately was able to arrange two military bands and जब दुल्हन अपने कमरे से निकल के स्टेज के ऊपर जा रही थी तो वहां पे जितने भी फॉरेनर थे वो सब दे रश आउटसाइड बिकॉज देवर वेरी इंक्विजिटिव टू सी हाउ द मैरिज इज टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने खूब वीडियोज वगैरह ले रहे थे। सो इट वॉज ए बहुत बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था जो मुझको अब बाद में एहसास हुआ जिस दिन गुरुजी ने कहा कि तू लिख के ले आते रहना जो कुछ हुआ। आई विल टेल यू अबाउट दैट इन 2006 हाउ गुरुजी टोल्ड मी दैट। तो वो शादी के उस दिन के बाद जो सगन जो भी सेरेमनी होती है तो 12-1 बजे देन वी हैड टू रश बैक होम इन नोएडा एंड कम बैक इन द मॉर्निंग क्योंकि मॉर्निंग में लामा फेरे थी। वसंत कॉन्टिनेंटल के सामने ही एक गुरुद्वारा था, वहां पर 11 बजे मेरे ख्याल लामा फेरे थी और उसके बाद लंच वगैरह था और डोली थी। तो जब हम वहां से गए निकलने लगे तो 5-6 यंग कपल हमारे रिलेटिव्स बेसिकली नीजेज एंड नेफ्यूज जो हुम हैड मेड देम अरेंजमेंट्स टू स्टे इन नोएडा ओनली, तो वो उनके लिए एक छोटी सी मैंने मिनी बस भी ऑर्गेनाइज की थी। तो उनको मैंने देखा, आइस उनको सी ऑफ किया वहां से और मैं कार में उनके आगे आगे अपने घर पहुंच गया और मेरे पीछे पीछे थी वो और सारी लेडीज, यू नो हाउ पंजाबी लेडीज आर डेक्ड अप फॉर द मैरिज विद लॉट ऑफ गोल्ड। उन दिनों में तो गोल्ड का बहुत रिवाज था और पहुंचने के आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा हो गया बस नहीं पहुंची। तो मुझको फिकर हुआ मगर वो मैंने सडनली देखा बस पहुंच गई और बस के पहुंचने के बाद मैंने ड्राइवर से पूछा, वो कहता रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई थी। गुरु सतसंगत जी मिडनाइट पास 12 o'clock आउटर रिंग रोड दिल्ली सुनसान एरिया यंग लेडीज फुल ऑफ गोल्ड 1 hour स्टैंडर्ड ऑन द रोड।
आई मीन कैन यू इमेजिन कैन दे कुड दे हैव रीच विदाउट गुरुजी ब्लेसिंग सेफ एंड साउंड। अगला मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो रिसेप्शन हुआ वो भी एक होटल में हुआ, और फोटोग्राफर ने रिसेप्शन के बाद हमको बताया कि मैंने बहुत शादियां कवर की हैं, 500-600 शादियां मैंने इतना बहुत सही तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्क्रफल के, बिना किसी ऊंचे शब्द के मैंने नहीं पहले देखी। तो हमने उस वक्त सोचा शायद हमने अच्छी तरह सब कुछ टाई अप किया था, मगर ये हमको एहसास हुआ कि ये सब गुरुजी की ही मेहरबानी थी दैट एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल। बच्चे जो थे शादी के बाद गुरुजी की कृपा से, यू नो, टू गेट ए 3 months, माय सन वाज दैट टाइम सर्विंग इन दुबई एंड ही हैड कम फॉर द मैरिज फ्रॉम देयर, और टू गेट ए वीजा फॉर 3 months, विजिटर्स वीजा टू विजिट अमेरिका, आई थिंक वॉज नॉट वेरी इजी, बट गुरु जी की कृपा से उनको वीजा मिला, दे वेंट टू अमेरिका, एंड वहां जब उनका आने का टाइम हुआ, माय सन वाज एनामर्ड बाय वहां की चकाचौंध देख के, एंड ही कॉल्ड मी अप फ्रॉम देयर टू से पापा लॉट ऑफ पीपल डोंट रिटर्न, सो आई सेड नो यू कम बैक, गुरु जी हैज सम प्लान्स फॉर यू। उसके बाद बच्चे जो थे वो दुबई चले गए और गुरुजी के पास हम जाते रहे। एक दिन हमको लगता था बच्चे भी वहां इतने खुश नहीं थे दुबई में, हम भी चाहते थे कि वो हमारे पास आ जाए, हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली था कि यहीं आए, माय सन इज ए टेलीकॉम इंजीनियर, ही कुड हैव गॉट अ जॉब हियर। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बेंड होके बैठे हुए थे, तो मैंने बेंड होकर उनके अपनी नीज के ऊपर कहा, गुरु जी बच्चे दुबई है गए, ऐसी खुश नहीं, ऐसी दिल्ली चाहते हैं कि दे कैन कम बैक टू दिल्ली। सो गुरु जी जस्ट यू नो डिडंट से एनीथिंग। 10-15-20 दिन निकल गए, तो एज एंशियस और हम अनजान लोग होते हैं, गुरु जी अपने कमरे से आ रहे थे, दे वर नॉट वेरी मेनी पीपल, तो मैंने उनको वर्चुअली रस्ते में इंटरसेप्ट कर लिया, नीचे झुक के माथा टेका और सीधा ही मैंने कहा, गुरुजी वो कुछ होया नहीं बच्चियां दा। तो गुरुजी ने सीधा ही कहा, मार्ग पुरुषानु दोबारा नहीं कहते हैं, और आगे ये भी वह कहा, फिकर ना कर संगत जी, दिस हैड लॉट ऑफ मीनिंग, द चिल्ड्रन आर नाउ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आई गॉट अ ग्रैंडसन एंड ए ग्रैंड डॉटर, वो गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं, बल्कि मैंने जैसे पहले बताया कि हम अपनी ग्रैंडसन को ले जाते थे और मत्था टेकता था वो, जब 2-2.5 साल का बोलने लायक हो गया तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जैसे मत्था टेका हमने पीछे मुड़े तो वो जोर से वो कहता है, अब गुरुजी अभी क्लाउड्स में चले जाएंगे। सो यू नो वी फेल्ट ब्लेस्ड। सो इस तरह आवर सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम देयर टू दुबई, वो यहीं पर रहा हमारे पास, फर्स्ट फ्लोर में रहता था, हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, उसको टेलीकॉम कंपनी में जॉब भी मिल गया गुरुजी की आशीर्वाद से। एंड ये जो जून जुलाई 2004 में फाइनली आई जस्ट टेल यू हाउ ही वेंट टू अमेरिका, तो अमेरिका चला गया, गॉट अ जॉब देयर। तो ये जो 3-4 साल थे ये बहुत ही सुखदाई हमारे लिए रहे, हमारा ग्रैंडसन सुबह उठ के उसको आया तैयार करवा देती थी, वो सीढ़ियों से नीचे हमारे पास आ जाता था, एंड वी रियली एंजॉयड दैट पीरियड। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको जनवरी 2000 के अंदर क्या हुआ, जब बच्चे दुबई में ही थे तो वो एक दुबई से दिल्ली 10 दिन की छुट्टी आ रहे थे, दुबई से दिल्ली छुट्टी आ रहे थे, और हमारा ऐसे दिल में हुआ कि क्यों नहीं हम एक अमेरिका का वीजा लगवा लेते हैं, विजिटर वीजा, सो दैट माय सन कैन गो एंड यू नो एक्सप्लोर वेरियस एवेन्यूज देयर एंड सी कैन ही यू नो हेड फॉर दैट इंस्टेड ऑफ दुबई। सो 10 जनवरी को वो
रात को 11-12 बजे दुबई की फ्लाइट से आ रहे थे। तो 10 जनवरी को हम गुरुजी के पास गए। मैंने 4 फॉर्म तैयार किए थे विजिटर वीजा के लिए, H1, H2, B1, B2 वीजा के लिए। तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने जैसे बताया कि इवन टिल अबाउट दैट टाइम जनवरी दे वर नॉट मोर देन 30-40 पीपल एंड इवन लेस, बिकॉज गुरुजी हैड नॉट अनफोल्डेड हिज रियल सेल्फ। ही स्लोली स्टार्टेड अनफोल्डिंग सब्सिक्वेंटली। और फिर आपको पता है 2007 तक तो किस तरह से लाखों की तादाद में लोग आने लगे, तो उस टाइम तक गुरुजी ने अनफोल्ड नहीं किया था। तो मैंने गुरुजी के पास जाके चारों फॉर्म हाथ में दिए और मैंने कहा गुरुजी कल असी अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं, बच्चे दुबई तू आ रहे हैं। तो गुरुजी ने देखा और सीधा ही कहा जा तेरा कल्याण कीता। ये वर्ड गुरुजी ने मुझको कहे। और उसके बाद हम सुबह रात को उनको वहीं से एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से हमने उनको अपने सुबह सुबह घर एम्बेसी गए। एम्बेसी में जो प्रोसीजर था उन दिनों में, सब सिक्योरिटी वगैरह चेक करके अंदर गए। अंदर उन दिनों में प्रोसीजर था कि सीनियर काउंसिलर एक सेंटर हॉल में बैठता था और सबके पासपोर्ट देख के वो डायरेक्ट करता था कि कौन सी जगह, कौन सी खिड़की पे कौन जाएगा, यू नो, J1 वीजा वाला या H1 वीजा वाला या B1 वीजा वाला, ऑल दैट, वेरियस खिड़कियों के नंबर थे 1 to 10। तो जब हम गए उसके पास, मैं आगे खड़ा था, मेरी आंटी पीछे थी और हमारा बेटा था और हमारी डॉटर लॉ पीछे खड़ी थी। चार मैंने उसके हाथ में फॉर्म दिए और पासपोर्ट दिया। तो उसने उसको देख के मेरा नाम रिपीट किया, तो मैंने कहा यस दिस इज आई एम दिस थिंग। अगली बात वो मुझसे कहता है कि इज शी योर गर्लफ्रेंड इन द बैक। नाउ आई ऑब्वियसली स्माइल्ड, आई सेड नो शी इज माय वाइफ। नाउ मैं इससे पहले आपको ये बताने देना चाहता हूं, उन दिनों में हम ये काफी सुनते थे गुरुजी के दरबार में वहां पर, कि गुरुजी कईयों को कह देते थे इज शी योर गर्लफ्रेंड। तो जब उसने मुझको कहा कि इज शी योर गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा नो शी इज माय वाइफ। अगली बात वो कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा। मैंने कहा टू ऑल 4 ऑफ अस। कहता है यस। आई सेड आई विल अप्रिशिएट इट। ही सेड गो टू विंडो नंबर 1 व्हिच वाज मेंट फॉर 10 years वीजा। संगत जी, हम चारों को 10 साल का वीजा मिला। हमारी आंटी ने इमीडिएटली वहां बताया कि या तो ये गुरुजी खुद वहां बैठे थे, हम सुनते थे इस तरह से गुरुजी कोर्ट में जाके जज की सीट पे खुद बैठे होते थे, गुरुजी डॉक्टर की ऑपरेशन थिएटर में खुद होके डॉक्टरी के उसकी पोजीशन में, इस तरह की हम बातें उन दिनों में सुनते थे। तो हमारी आंटी कहती हैं कि या उन्होंने उसका माइंड कंट्रोल किया था, हमने क्लियरली लिखा था B1 B2 विच इज ए 6 months वीजा, विजिटर वीजा। हमको 10 साल का वीजा, लाइक ए ग्रीन कार्ड वी गॉट। वी केम बैक उस दिन लोधी रोड में किसी अंकल के घर, आई थिंक मोहन सिंह अंकल के घर थी, इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, जनरल मोहन सिंह, वहां पे सत्संग था। हमको पता लगा, हम सीधे वहां गए। वो भी एक सत्संग है हमारी आंटी का, कि हम जब जा रहे थे हमको रास्ता नहीं पता था, तो हमारी आंटी ने सडनली फ्रेग्रेंस आई उधर से, उन्होंने कहा इधर से फ्रेग्रेंस आ रही है, वी टर्न देयर एंड वी रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो जैसे ही हम गुरु जी के पास पहुंचे, हमने माथा टेका और हम बताने लगे। गुरुजी कहते मिल गया जा बैजा। सो गुरुजी न्यू दैट, इनफैक्ट ही ओनली इशूड दिस। तो फिर मैंने आपको जैसे बताया, बच्चे हमारे पास रह गए और हमारा ग्रैंडसन भी हुआ, और दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड फॉर अस। अभी 2004 जून में हमारे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गया। तो जब जॉब मिला तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी गुरताज न्यू अमेरिका जा रहा है या कुछ, आई सेड अमेरिका जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा जान दे, दिस वर्ड आई रेजोनेट्स इन माय इयर्स। उन्होंने कहा इनानू जान दे। सो आई थिंक जून जुलाई सम टाइम 2004 माय चिल्ड्रन दे वेंट अवे टू अमेरिका। दे इनिशियली वर इन कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस। और एक दिन हम गुरुजी के पास, आंटी भी, हम दोनों गए, तो गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दे दिए हमारे हमको और कहा इन्हानू अपनी गड्डी चलाया कर।
संगत जी, दैट डे एंड टिल टू डेट आई हैव दैट गुरुजी स्वरूप वन ऑफ देम इन माय कार एंड ट्रस्ट मी आई हैव नेवर फेस्ड अ प्रॉब्लम इन दिस 22 इयर्स नेवर इट हैज ब्रोकन डाउन मेरे सड़क पे पंचर भी नहीं हुआ कभी आई मीन ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग सो आंटी स्वरूप लेके बच्चे अमेरिका में थे ये भी पीछे पीछे आई थिंक अगस्त सितंबर में बच्चों के पास चले गई दे वर सम अदर फंक्शन टू अटेंड सो शी आल्सो वेंट देयर वहां पर जाके आंटी ने एक स्वरूप हमारे बेटे की कार में लगा दिया अब मैं जैसे मैंने बताया मैं रेगुलरली गुरु जी के पास जाया करता था और एक दिन मैं गया गुरु जी के पास वहां पर और गुरु जी ने लंगर करके जब मैं घर वापिस आया तो मुझको बहुत अनयूजुअल काइंड ऑफ ए रोजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई रात को सो आई रब माय न्यूली यू नो न्यू नाइट सूट इट वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस एनीवे आई जस्ट विदाउट अनमाइंडफुल सो गए सुबह 7 बजे थे जो 6:30 एलए में उस टाइम होते थे जून सितंबर अक्टूबर में समर टाइम के मुताबिक तो हमारी मैंने रिंग करता था मैं आंटी से बात करता था डेली जैसे ही मैंने रिंग किया तो हमारे बेटे ने कहा कि हमारा अभी अभी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मगर तो मैंने कहा गिव द फोन टू मदर सो हमारी आंटी ने बताया कि पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह से एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ हमारा बेटा दुबई में चलाता था तो उसको इजिली ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया वहां पर बट वो सिंस इंडिया की तरह था कि रेड लाइट ग्रीन लाइट से ब्लू हुई उसने सोचा रेड होने से पहले मैं एक क्रॉसिंग पे राइट टर्न कर लूंगा आई हैड टू टर्न राइट एंड देयर वाज अ कॉर्वेट रेसिंग ऑलमोस्ट लाइक अ रेसिंग कार कमिंग एट 60-70 माइल्स एन आवर कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसने देखा ग्रीन हो गई आई डिडंट स्लो डाउन एंड सो देयर वाज अ हेड ऑन कोलिजन इट वाज सो टेरिबल व्हिच आई लर्नड लेटर कि कार वाज शैटर्ड इट वाज हमारी डॉटरला बाद में बताती है कि उसका दरवाजा मिलीमीटर उनकी पांव से दूर रुका कार ड्रैग हुई 50 मीटर हमारी उसके फ्रिक्शन से टायरों में स्मोक हुआ और उसके बाद फ्रिक्शन से उसमें आग भी लग गई हमारा ग्रैंडसन जो कि पीछे था ही वाज अबाउट 3-4 इयर्स ओल्ड दैट टाइम ही वाज इन बेबी सीट टूट गई हमारी आंटी पीछे बैठी हुई थी डॉटर लॉ राइट में थी सन चला रहा था वो टूट के उसके ग्रैंडसन आंटी की लैप में गिरा आंटी ने अपनी 10-15 सेकंड तो आंख नहीं खोली कि आई होप ही इज ऑल राइट व्हेन शी ओपन द आईज ही वाज स्माइलिंग जब कॉप्स वहां पर आया तो उसने पहला पूछा कि आई श्योर दैट यू आर ऑल राइट ही वाज शॉक्ड द कार वाज स्टोर्ड टू सैलवेज फ्रॉम देयर यू नो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिपेयर मैं उस दिन शाम को गुरुजी के जल्दी आ गया गुरुजी उस दिन अपना घूम के बाहर से आए थे और मैंने देखा वो बर्बरी की उन्होंने टी शर्ट पहनी थी एंड वेरी क्रीम कलर की पेंट थी ब्यूटीफुल पेंट वाइट और उस दिन मेरे ख्याल बाहर ड्रिजल हुई थी सो इट वॉज क्वाइट मडी आउटसाइड बट वेन आई सॉ वेन ही केम इनसाइड ही वॉज एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन एवरीथिंग वॉज फाइन ही केम एंड सैट डाउन ऑन द साइड बोर्ड तो पहले भी मैं देखता था गुरुजी आई नेवर सॉ दैट गुरुजी इज वॉकिंग ऑन द फ्लोर और हिज फीट आर अबव दैट आई हैव नेवर नोटिस्ड बट ये मैं देखता था कि बहुत फास्ट मूव करते थे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में वेरी फास्ट तो गुरुजी वहां पे बैठे और मैं खड़े होके आई वॉन्टेड टू टेल गुरुजी कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने जैसे ही एक्सीडेंट ही वर्ड बोला गुरुजी ने कहा मैन पता है जा बैजा गुरुजी की कितनी बड़ी बड़ी मेहरबानी है आई थिंक आज हम सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर सिचुएशन हो सकती थी बट गुरुजी हैं वहां पर सबकी रक्षा करते हैं ये गुरुजी जो हैं ये इस दुनिया में रक्षा करने ही आए हैं उन्होंने सबकी रक्षा की हमारा फेथ डेवलप करने के लिए कि वी मस्ट ट्रस्ट हिम उसके बाद 2006 में
मैं आपको बताऊंगा किस तरह गुरु जी अंतर्यामी है। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने वहां इस दौरान के अंदर, मैं उन थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। एक दिन मेरे एक अंकल मेरे सामने बैठे थे, बिल्कुल इमीडिएट सामने, तो गुरु जी ने उसको कहा कि तू दस तेरे नाल जो व्हाटएवर सत्संग कर। तो जब करने लगे तो मैंने कहा शायद आज मेरे को कहेंगे गुरु जी अगला सत्संग तू कर, तो मैं अपने थॉट्स को अपना अपने दिमाग में सेटल करने लगा, अरेंज करने लगा। बट व्हाटएवर रीजन गुरु जी जानी जान है, आई वॉज नॉट गिवन चांस। बट नाउ आई रिमेम्बर दैट आफ्टर लंगर के बाद जब मैंने गुरु जी को माथा टेका, गुरु जी ने मुझे कहा कि जो कुछ भी तेरे नाल होया है कागज से लिख के। रोमा आंटी राइट में मैं पहचानता था उनको, इतने साल हो गए थे मेरे जाते हुए, पर्टिकुलरली उनको मैं पहचानता था कि उनको दे दे। मैं आई केम बैक आई थिंक दैट नाइट और द नेक्स्ट नाइट, आई स्क्रिबल्ड अबाउट 3-4 पेजेस एंड आई हैंडेड ओवर देयर विच नाउ आई फाइंड इन द लाइट ऑफ डिविनिटी। नाउ गुरु जी जो है मैं देखता था गुरु जी की कुछ एक अपीयरेंसेस के बारे में बताऊंगा। त्रिशूल जैसे मैंने बताया, उनकी नाभि में एक आंटी ने कस्तूरी का जिक्र किया और फ्रेग्रेंस तो बहुतों ने बताई है। मैंने बताया कि किस तरह जनरल ग्रेवाल अंकल ने हमारे ब्रदर को डिस्क्राइब किया कि इनके सब इवन स्वेट यूरिन इसमें फ्रेग्रेंस होती है। और उनको मुझको याद है उन्होंने कहा था क्योंकि इनके शरीर में इम्प्योरिटी है ही नहीं, जो एक इंसान के शरीर में इम्प्योरिटीज होती हैं गुरु जी के शरीर में, क्योंकि वो शिव जी महाराज हैं, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। गुरु जी महाराज जो हैं वो ओमनी पोटेंट हैं, सब शक्तिमान हैं। आपने दर्शन आंटी का सुना है किस तरह बड़े मंदिर में बहुत गर्मी थी और गुरु जी ने कहा गर्मी है, उन आंटी ने कहा हाँ, तो उन्होंने इस तरह हाथ ऊपर किया, लाइटनिंग हुई, रेन हुई। आंटी ने जब वहां से निकली घर जाने के लिए, देखा बड़े मंदिर के बाहर बिल्कुल सूखा था। गुरुजी ने आंटी ने यह बताया है कि किस तरह से एक आंटी को ब्लेस किया, उसने चेक किया डिलीवरी से पहले कि उसको एक लड़की हो रही है। गुरुजी के पास जब वो गई डिलीवरी से पहले कुछ चंद एक दिन पहले, गुरुजी ने कहा हूं तो खुश है तू, वो बड़े मुरोस वे में उसने कहा कि गुरुजी एक ही देना सीखा थे मुंडा दे दें दे। तो गुरुजी ने कहा, उसने चेक कराया था कि शी वाज टू गिव अ बर्थ टू अ गर्ल, उन्होंने कहा जा तेन मुंडा देता बट तू चेक ना कराई। हु कैन डू दिस, आई थिंक इट्स ओनली दैट शिवजी महाराज, ही इज ओमनीसिएंट, अंदर जाओ नहीं। मैंने जैसे अपना बताया कि मैं सोच रहा था कि गुरुजी मुझको करेंगे अगला सत्संग, मेरे को उन्होंने कहा तू लिख ला, ही इज ओमनी प्रेजेंट। आपने कई बार सुना है सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, मोर देन वन प्लेस। आपने रोमांटिक का सत्संग सुना है, किल अंकल जो जस्टिस हैं उनका सुना है, उनके कोई भी शू मार्क्स जब वो न्यूली लेड सीमेंटेड पाथ बड़े मंदिर का था उसके ऊपर से आंटी ने बताया कि देखा देयर वाज नो मार्क एट ऑल। गुरुजी वाज वेरी सीरियस इन व्हाइल पीपल डांस्ड पीपल सैंग दिस थिंग, ही वाज वेरी सीरियस, ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल इन दोज इवेंट्स। फिर मैं बताऊंगा कि उनके, आप देखिए उनके जो स्वरूप है उनके पांव का, उसमें आगे काली काली ब्लैक शेडोज हैं, ब्लैक नेल हैं। ये एक आंटी ने बताया उनके पांव से लाइट निकलती थी, ये गुरुजी महाराज के पांव से लाइट निकलती थी। उनकी आंटी ने बताया कि बॉडी फ्लोरेसेंट, एक रात जनवरी 12th को, मैंने काफी न्यू ईयर गुरुजी के 2000 में अटेंड किए, 99 में अटेंड किए, 2000 में तो स्पेशली मैं अम्बाला में पोस्टेड था उस वक्त, मैं आया 31st नाइट को अटेंड किया और अर्ली मॉर्निंग आई वेंट बैक बाय दिस शान ए पंजाब। नाउ ही महाराज अपीयर्ड वेरी कैजुअल, ही टुक पीपल टू रेस्टोरेंट्स, ही टुक पीपल टू पिक्चर्स होटेल्स,
इंडिया गेट फॉर आइसक्रीम रिजॉर्ट्स एंड मैरिजेस. आई थिंक आई मीन आई कैन से ऑफ कोर्स देयर इज नो वर्ड व्हिच कैन मीट हिज जेनरोसिटी ऑफ गुरुजी. गुरु पार एक्सलेंस आई कैन ओनली से दैट. आपको पता है कि गुरुजी की कार बिना पेट्रोल के चल सकती थी, मारुति 800 सिग्ला अंकल की कार. आपने सुना है कि किस तरह से 12-13 किलोमीटर से 18-19 किलोमीटर देने लगी. उनका एक ही ग्लांस सबके लिए बहुत काफी होता था. वो लोगों को उस नाम से बुलाते थे जो किसी और को नहीं पता है. सिटिंग इन जलंधर ही कुड टेल वेयर इज द लोकेशन ऑफ वॉटर इन बड़ा मंदिर. इसीलिए वहां का जो पानी है वो अमृत है. आपको पता है, मेरे को थोड़ा सा इस बारे में ज्ञान है, इधर यूपी वगैरह में तो वो पेंडुलम लाते हैं, तो पेंडुलम कुछ इंडिकेशन देता है उन एक्सपर्ट्स को कि पानी यहाँ पर है. मैंने गोवा में पर्टिकुलरली देखा है, वो नारियल जो है, रेशे वाला नारियल जो है, ब्रश वाला, वो लटा के हाथ में लाते हैं, जहां पर पानी होता है वो नारियल खड़ा हो जाता है. तो इस तरह से ही आदमी रघुवीर अंकल ने या जो बाकी अंकलों ने उसको एक्सपर्ट को बुलाया. पूरे दिन वो ढूंढता रहा, उसने कहा यहाँ पानी कहीं भी नहीं. आपको पता है दिल्ली में पानी का लेवल इतना डाउन है, 2-3 हजार मीटर पानी है नीचे. गुरुजी ने जलंधर बैठे हुए पूरा डिस्क्राइब किया कि वहां जाओ, इधर इतने कच जाओ उस पेड़ से, और वो पानी कर दिया. गुरुजी समोसा हार्ट ब्लॉक के लिए, स्वीट डायबिटीज के लिए और अल्सर के लिए चटनी. आई थिंक ओनली भगवान ये कर सकते हैं, भगवान ये कर सकते हैं. कभी भी उनका, मैं भी ये देखता था कई बार, कितनी भी संगत आ जाती थी, खाना मैं देखता था कि अंकल लेकर आ रहे हैं. बड़े बड़े गाड़ी में आती थी कभी, तो मेरे ख्याल जब बड़े मंदिर में बनने लगा था दिस थिंग, हम भी कभी सोचते थे कि हम रोज खाना खाने चले जाते हैं, थोड़ी बहुत हमारे दिल में आई तो हम भी चंद एक बार कुछ लड्डू के डब्बे ले गए और चुप जाकर वहां उसमें रख देते थे. मगर कभी भी कोई कभी शॉर्टेज नहीं हुई, मल्टीप्लाई हो जाती थी. सचखंड का प्रसाद किस तरह गुरुजी दे देते थे. दे वर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. उनके दरबार में कोई ऊंच नीच का नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था. हर कौम के लोग वहां पर थे, हर जगह के लोग थे. अंग्रेज भी आपने देखा है कि वो गुरुजी का फोरहेड किस कर रहे हैं. और गुरुजी किस दरबार में, आपने सुना है एमपी अंकल का कि सबकी कृपा बराबर, वो वर्ड आपको उस दिन उन्होंने बताया. लोगों ने जब केपीएस गिल उनके पास, जब वो डीजी पंजाब थे, तो बताया उसके बारे में, तो गुरुजी ने कहा मैंने पता है दे बारे, बट एनीवे ही स्टिल ब्लेस्ड हिम. ही नेवर डिड एनी पब्लिसिटी. विदाउट नोइंग पीपल इन चंडीगढ़ ही केम डाउन टू जलंधर. आपको यह भी पता है कि विद इन पंचकुला एंड चंडीगढ़ उन्होंने लोगों को बताया था कि तुसी दसनानी मैं इत्थे चला गया है. सो ही नेवर वांटेड दैट. एंड मैंने इसी करके मैं देखता था कि काफी टाइम तक 98 में हम थोड़ी संगत रहती थी. उन्होंने अपने फ्रेग्रेंस दिखाते थे, त्रिशूल दिखाते थे फोरहेड के ऊपर, डिफरेंट कलर्स लाइट दिखाते थे. उन्होंने, गुरुजी ने कभी भी लिकर दारू के लिए मना नहीं किया, बट वो कहते थे कि इट इज बेटर टू बी वेजिटेरियन. मैं अभी बताऊंगा आपको कि एक मेयो क्लिनिक, आप साइट पर जाओ, गूगल करो, ये अमेरिकन मेयो क्लिनिक वो है, तो हॉस्पिटल चेन, उसमें आप देखेंगे कि ए टू जेड तक आप उसका देखें कितनी डिजीजेज इंसान को हो सकती है. पीपल, उन गुरुजी ने वो सारी डिजीजेज जितनी भी आप उसको सोच सकते हैं, उन लोगों का डिप्रेशन क्योर किया, नी बैक पेन, अस्थमा, फीवर ऑफ एनी टाइप, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, नो क्योर फॉर ग्लाकोमा. आपको पता है ग्लाइकोमा इज ए अनट्रीटेबल डिजीज, ये एक बार हो जाए ट्रीट नहीं हो सकती है. मेरे को इसका काफी ज्ञान है. मेरे फादर लॉ दिल्ली में ही रहते थे उस वक्त, गुरु जी का बुलावा नहीं हुआ, उनको ग्लाइकोमा था, हमने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, जैसे रघुवीर अंकल ब्लेस हुए थे.
गुरुजी ग्लाइकोमा ब्लेस कर देते थे, महाराज ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली डिस्कॉर्ड, क्रिमिनल केसेस, जज जो था वो अपना वर्डिक्ट देने के बाद वो कह देता था ऐश कर जाके, ही मे बी ए साउथ इंडियन जज और ही मे बी सम अदर दिस थिंग, बिना आंटी को बताए हुए लोगों उनको बता देते थे कि यू नो यू हैव अ बेबी, चेंज डेट ऑफ बर्थ सिजेरियन टू नॉर्मल डिलीवरी, चेंज सेक्स ऑफ द गर्ल बिफोर बर्थ, लोगों को आप 25 साल तक जो डेफ रहे उनको उन्होंने हेरिंग दी, अपनी रुद्राक्ष माला पानी में अमृत बन जाती थी, कोपर का लोटा ग्लांस कर देते थे। ये तो मेरा ख्याल गुरुजी के एक हमको डिस्ट्रैक्ट करने के थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। मैंने अनीता आंटी का सत्संग वहां पे सुना, प्रेजेंस में उनके मैंने 3-4 सुने थे, काफी सुने थे, काफी कई लोग बड़ा लाइटली कहे जाते थे, सत्संग सीरियसली नहीं होते थे, बहुत लाइट हार्टेड होते थे, और गुरुजी उस बीच में फिर ऐसे हाथ अपने चिन के नीचे हाथ रख के बैठे होते थे और वो भी फिर स्माइल कर देते थे और वो फिर कहते वो भी 10 दूसरा भी 10 इस तरह भी बोल देते थे कभी कभी। अबाउट 2000 में मेरे को याद है कि अनीता आंटी ने अपना बताया अपना उनका अपने बारे में, और मेरे को आज बहुत क्लियरली याद है कि शी वॉज नॉट वेल एट ऑल दैट टाइम, एंड टूडे शी सच ए डिफरेंट पर्सन, शी लुक्स वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। और उन्होंने किस तरह अपने सत्संग में किया है कि वो टी लाइट जलाने के लिए काफी देर तक करती रही, वो जली नहीं, बाथरूम गई, जब वापस आई तो वो जली हुई थी, और गुरुजी के पास गई, शाम को गुरुजी ने कहा फिर जल गई सी की, गुरुजी हैड हैंडल दिस। जिठेरा अंकल के सत्संग मैंने सुने, एक कर्नल जिनको हेपेटाइटिस सी हो गया था मेरे ख्याल 71 की लड़ाई में, और उनके प्लेटलेट्स जो थे वो बहुत डाउन हो गए थे, गुरुजी ने उसको ठीक किया था, ऊपर किए थे, और वो कहीं अमेरिका गए और उनके गुरुजी के लिए उन्होंने बोला हम आपके लिए चोला ला रहे हैं, वो चोला चोरी हो गया, और वो चोला उन्होंने फिर आंटी ने सोचा कि हम अमृतसर में पोस्टेड थे वहां से हम चोर बाजार से ले लेते हैं, यहाँ इम्पोर्टेड सामान मिल जाते हैं, उन्होंने वो चोला लेकर आए गुरुजी के पास, जैसे ही रखा गुरुजी ने कहा उन्होंने क्या गुरुजी तुम्हारे वास्ते अमेरिका तो लाए, कहने से साढ़े वास्ते चोर बाजार तू लाए हो। टेकिंग ए क्लू फ्रॉम दिस, वी ऑल्सो वेंट इन 2000 टू अमेरिका एंड वी गॉट ए चोला फॉर गुरुजी, एंड आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई ब्रॉट इट गुरुजी वॉज यू नो ही डिड नॉट शो एनी एक्सेप्टेंस, सो वी क्वाइटली केप्ट इट टू अ साइड एंड वी मूव फ्रॉम देयर, यू नो फेयरिंग की वी विल गेट अ you know so we do not know what happened to this. लोगों ने बच्चे जो थे वो अपने पेन ब्लेस करा लेते थे। मैं आप कुछ amusing requests आपको बताऊंगा। Basically I want to today cover and show that किस तरह से ये शिवजी महाराज आए और हमको इस एक साल में बहुत कुछ मौका मिला सीखने का। हमने शिव पुराण पढ़ने की कोशिश की, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड बट स्टिल, और हमने हर हर महादेव सीरियल देखा, एक कृष्ण राधा कृष्ण पुनर्मिलन देखा और भी रामायण देखे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान होने लगा और हम बहुत सारी चीजें जो गुरु जी के जो हम देखते थे उससे कोरिलेट कर सकते हैं। गुरु जी कभी भी कल्याण नहीं करते थे और कभी किसी को कर्ष नहीं करते थे, हमेशा ब्लेसिंग। कोई भी आज तक मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा है जो कहे कि मैं गुरु जी के आने से पहले ज्यादा प्रॉस्पर था, अब नहीं हूं इतना। ही इज ऑलवेज एवरीबडी हैज प्रॉस्पर्ड, ही हैज ब्लेस्ड एवरीबडी। और सम अम्यूजिंग होती थी कि कई कहते थे कि जी मेरा पैसे खो गए हैं, कोई कहते थे कि मेरी फाइल खो गई है। एक लिटिल गर्ल ने तो गुरु जी को कहा कि मेरी टीचर आज ना आए, प्रे करने लगी कि सो दैट मैंने एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर किया और टीचर ने छुट्टी ले ली। और ये बहुत कॉमन था, लोग कहते थे कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो गुरुजी जोकिंगली कह देते थे मेरी भी नहीं हुई है। कोर्ट केसेस मैंने जैसे बताया किस तरह गुरुजी करा देते थे। ही वॉज अ मोस्ट हैंडसम गॉड। एक बार हम अमेरिका में ट्रेवल कर रहे थे और गुरुजी का स्वरूप हमेशा सामने रहता है, तो रेड लाइट पे हम रुके और एक
अमेरिकन कपल साइड में, तो दे वर लुकिंग एट राइट एंड दे सॉ एंड दे सेड व्हाट इज, किसकी फोटो है, हुज फोटोग्राफ इज दिस, सो वी सेड हमारे गुरुजी, सो ही सेड माय गॉड सो हैंडसम, सो गुरुजी वाज अ एपिटोम ऑफ यू नो हैंडसमनेस. नाउ ही इज अ शुरू. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी इज अ यूनिवर्सल गॉड. खुद उनका कमरा आप सबने, बहुत लोगों ने देखा है एम्पायर स्टेट में, मेरे ख्याल 10 फुट बाई 10 फुट, दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम, बहुत कम 10 फुट बाई 10 फुट के रूम होते हैं. यू नो एवरीबॉडी वी लाइक टू हैव एटलीस्ट 15 फुट बाई 15 और 20 फुट बाई 20 फुट, और पीपल आज इतने कमरे होने चाहिए हमारे घर में. गुरु जी का छोटा सा कमरा आपने अभी देखा होगा, छोटा सा एक सोफा वहां पर, एक बेड और एक साइड बोर्ड जिसके ऊपर 2-3 वेसल्स पड़े हैं, और एक कबर्ड जिसमें उन गुरुजी की ड्रेसेस है. दुनिया के मालिक खुद का अपना देखिए कितना स्मॉल प्लेस. मैं अब कुछ एक एक्सर्प्स फ्रॉम द लाइट ऑफ डिविनिटी से पेश करूंगा, बेसिकली टू शो दैट गुरुजी इज शिवजी महाराज. गुरुजी शिवजी महाराज, ही कुड डू एनीथिंग, ही इज इवन टुडे ही इज ब्लेसिंग पीपल. इट्स इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, वी हैव टू कीप प्रेइंग टू गुरुजी. वी आर वेरी हैप्पी, सम ऑफ द संगत लाइक वन शास्त्री अंकल, 24 hours सत्संग इज गोइंग ऑन. आई थिंक दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड, सो दैट वी प्रे, वी टेक रिपेंटेंस दैट गुरुजी वॉट अग्लीनेस सॉ हेयर इज नॉट रियलिटी, एंड We all pray that bring back that good times that was existing. मेरे साथ कोई बताते हुए कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना. मैं आरती आरपी सिंगला अंकल की डॉटर, जिसके एग्जाम सेंटर गुरुजी ने बदल दिया, क्योंकि सो दैट शी कुड कम टू गुरुजीज संगत, अदरवाइज एग्जाम सेंटर वॉज क्वाइट फार अवे. उसने, शी इज द वन हु सॉ गुरुजी वॉकिंग ओवर दैट वेट रिसेंटली न्यूली लेड सीमेंटेड पाथ, एंड देयर वाज नो मार्क एट ऑल. उसकी मैरिज गुरुजी ने 15 दिन में करवाई. फ्रेग्रेंस शी फेल्ट, सो हर स्मेल फ्रेग्रेंस इन एफिल टावर इन फ्रांस व्हेन शी विजिटेड देयर. आचल प्रोजेक्ट पॉल का कैंसरस कॉर्ड वाज क्योर्ड आफ्टर चाय प्रसाद. डॉक्टर अनिता, हर सन दक्ष, जिसको जिसने पहले गुरुजी के चरण छूने से मना कर दिया, उसको शिवजी के दर्शन कराए और उसने उनके पांव छुए. दक्ष को स्प्लीन एंड लिवर में प्रॉब्लम हो गई, गुरुजी ने कहा जा तेरे मुंडे दा ठीक कर देता. आउट ऑफ ट्विन सन्स गुरुजी पॉइंटेड आउट हुज एल्डर आउट ऑफ द टू. अरविंद सिंगला, आपने कल परसों ही उनका हमने सत्संग सुना. गॉड कंट्रोल टाइम, गुरुजी यूज्ड टू कंट्रोल टाइम. उसको बताया कि तुम 8 बजे आना, उन्होंने बताया कि वो भले नोएडा से 6 बजे चलें, 7 बजे चलें, 7:30 he would be there at 8 only. If he left at 6, there will be heavy rush en route. MP अंकल ने बताया किस तरह से when he was going to Singapore and he did not get up till Guruji blessed him to go, and he left at very late. He reached airport to catch the flight. There was so much rush, but he just walked through and boarded the plane. नारंग अंकल ने आपको बताया कि किस तरह वो आए बाहर चंडीगढ़ या कहीं से, और रहराज साहब का पाठ जो है वो मेरे ख्याल 10-1 बजे तक बंगला साहब में हो जाता है. इट वॉज पास 10 o'clock गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में. गुरुजी ने कहा जा बंगला साहब हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब तो सब बंद हो गया होगा, तो बट वो वहां पहुंचे और पता लगा कि अभी रेरा साहब का पार्ट नहीं हुआ. सो ही को कंट्रोल ऑल दिस. अशोक ग्रोवर, फादर का ब्लड शुगर को कंट्रोल किया. फादर राधा स्वामी थे और गुरुजी उनको कहते ही, देखते ही कहते राधा स्वामी वालों का हाल क्या है. सेव्ड हिम बाय आस्किंग टू सेल हिज बिजनेस. आफ्टर फ्यू डेज हिज बिजनेस बिकेम ऑब्सोलीट. एके शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, हिज वाइफ डॉटर अस्थमा क्योर किया, गेव शिव दर्शन, न्यू लाइफ आफ्टर हार्ट अटैक. बख्शी फ्रॉम डुगरी, डॉटर का ईयर प्रॉब्लम 12 साल तक थी, उसको कल्याण कर देता. ही बिकेम, आई अंडरस्टैंड, वन ऑफ द वेरी बिग फार्मर ऑफ डुगरी और मलेरकोटरा. सी ए मिस्टर बीबी चौधरी, सन बैक गॉट क्योर्ड, नेफ्यू को
एमडी इन यूएसए, महाराज जी ब्लेस्ड टू डू। जठेरा अंकल के सत्संग तो आपने बहुत सुने हैं, किस तरह से एक वर्ड कल्याण कर देता, चेंज देयर लाइफ। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट जो है विद केमो रेडिएशन ऑपरेशन, माय गॉड ही गोज थ्रू हेल एंड जस्ट वन वर्ड तेरा कल्याण कर देता एंड पर्सन इज ऑल राइट। गुरुजी ने उसकी मानसरोवर यात्रा को बोला कि शिव जी तो इतने है गए, उनके घर का डिस्प्यूट वॉज सॉर्टेड आउट, यू नो अबाउट दैट, एंड ऑल्सो गुरु जी सॉ टू इट दैट हिज हाउस वॉज बिल्ट। भवनेश पांडे जो कर्नल जोशी के अंकल के नेफ्यू है, वो उनकी मैरिज विद मेटरनल अंकल के कजन से 10 मिनट में वो गुरुजी के लिए कौर तुम्बा लेकर आते थे। गुरुजी यूज्ड टू बी इन ग्रेट पेन। आप देखो अगर हर महादेव में दक्ष का जो बेटा था आई थिंक चंद चांद, वो आफ्टर आई थिंक ही वाज मैरिड टू 7 ऑफ हिज डॉटर्स, बट वो एक को बहुत प्यार करता था, तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया तो उसको कोढ़ हो गया, तो शिव जी ने जाकर वो अपने ऊपर लिया और वो ठीक हो गया। आपने इवन कृष्ण भगवान को भी देखा है कि ये पूरे गांव में कोढ़ हो गया तो कृष्ण जी ने वो अपने ऊपर ले लिया और सब ठीक हो गए। तो इस तरह से भगवान जो है वो अपने ऊपर कष्ट लोगों के ले लेते हैं। ब्रिगेड सानी हिमसेल्फ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने उसको मेनी ओकेजंस उनको क्योर किया है। फ्यू डेज बैक उनकी आई थिंक डॉटर इन लॉ हैड ए ब्यूटीफुल सत्संग। डॉक्टर पांडव अंकल यू कीप ऑन हेयरिंग, उनका अस्थमा क्योर किया, उसकी बेटी को MIT बॉस्टन में कराया। कर्नल चटर्जी, इनका मैंने सत्संग गुरु जी के प्रेजेंस में सुना था, मैं आज याद कर सकता हूँ। उनको उनके वो बताते थे कि किस तरह उनके पास थोड़े से एलिमेंट थे और कोई गेस्ट आ गए, शायद गुरुजी भी आ गए उनके पास जलंधर में मोस्ट लाइकली, तो गुरुजी ने उनको वेलनट पिस्टेशियो एंड कैडमम में बदल दिया, उनका टेम्परेचर ठीक हो गया। उनके पास लेडीज अपनी शॉल्स लेकर आती थी जिससे उसमें फ्रेग्रेंस आ जाए, तो गुरुजी डिपेंडिंग ऑन हिज ब्लेसिंग्स किसी को 15 दिन तक फ्रेग्रेंस और कई तो ब्लैंकेट फॉर 1 ईयर तक हो जाते थे। गुरुजी कुड ब्रिंग रेन। एक बार गुरुजी वो बताते हैं कि एम्पायर स्टेट में एकदम स्टिफ हो गए और उनके हाथ में एक डमरू आया और डमरू के अंदर से जब तोड़ा गया प्रसाद निकला। और उनका जो मैंने 2000 में सत्संग सुना था, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि उनकी कोई आर्मी में जब वो थे तो उनकी कोई टॉप सीक्रेट फाइल मिस हो गई थी, विच इज ए बिग ऑफेंस इन आर्मी, तो गुरुजी ने उसको मदद की और बताया कहाँ पर है। कर्नल एस के जोशी रामगढ़ रिसोर्ट में, उन्होंने बताया किस तरह वो जो नासर था जिसके 15 साल से शादी हो गई थी और ही हैड नो इश्यू, गुरुजी ब्लेस्ड हिम, ही हैड ए चाइल्ड। दिल्ली में जब NSG में वो पोस्टेड थे जोशी अंकल, तो हर जगह पे बारिश थी, उनका डायरेक्टर जनरल NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंस्पेक्शन था, तो बट As he went there, there was no rain inside NSG. और उसके बाद जब इंस्पेक्शन खत्म हो गया, it rained. उन्होंने को मैंने ये भी सुना कि एक बार हंगेरियन एम्बेसी गए थे, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, हंगेरियन एम्बेसी में बिल्कुल ड्राई था। सो गुरु जी कंट्रोल, who could do all these kind of things? It is only Shiv ji Maharaj who could do this. Dr. Mrs. Ahuja ने लखनऊ में बताया कि उनका टेप रिकॉर्डर विदान बिजली के चल रहा था, उन्होंने बताया कि किस तरह उनके मेरे ख्याल बेटे किसी वेडिंग में, सन्स की वेडिंग, बेटे की वेडिंग में गुरुजी ने उनको एक शर्ट और पैंट दी, विंटर के महीने में सब लोग सूट में आए थे, उन्होंने वो शर्ट पैंट पहनी, इतनी वहां पे धूप हो गई, गर्मी हो गई, जो सूट में थे वो दे वर स्वेटिंग। जैन विद्या दुगल आंटी ने बताया कि उनकी 7-8 साल की लड़की को संगत में एक बार चाय दी, तो उसने सिंगला अंकल ने कहा कि उसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है, सिंगला अंकल ने कहा ये प्रसाद है, तो शी टुक इट एंड इट वाज अ रोज वाटर, शी सेड इट्स अ रोज वाटर।
गोपाल सेठी का 18 ईयर्स ऑफ एग्नी वॉज टर्न्ड ओवर इन 18 डेज एज आंटी वॉज ऑपरेटेड रेगुलरली। तो कभी अंकल ने बोला था कि एक जिप लगा ले, गुरु जी ने एक दिन संगत में कहा कि वो भी 10 जिप था। कर्नल तूर उनका लड़का 25 साल तक हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, उनको 5 और 2 समोसे देके उनका ब्लॉगेज ठीक किया। तो गुरु जी जोगा चीमा अंकल को किसी को उनका जितेंद्र नाम नहीं पता था, उसका किया डॉटर इन लॉ का माइग्रेन क्योर्ड बाई 2+2 जगह ओनली 3, तो वो 90% क्योर थी। उसके बच्चों को अमेरिका भेजा। जस्टिस गिल जिनकी वाइफ की मलिग्नेंसी चेंज इनटू कॉलिक पेन, उनकी मदर जो 95 ईयर्स थी, वो गुरुजी को चाहते थे कि वो उसको मोक्ष दें। गुरुजी को रिंग किया, गुरुजी एकदम वहां प्रकट हो गए उनके पास चंडीगढ़ में, जबकि गुरुजी जलंधर में थे। और गुरुजी ने अमृत दिया और कहा कि 2 AM शी विल वुड बी गॉन। महाराज वहां से गए और महाराज ने कहा कि पीछे ना कोई भी आई, और जाके बाद में रिंग किया तो वो गुरुजी जलंधर में ही थे। नाउ ललित माथुर अंकल की डॉटर अदिति वॉज ब्लेस्ड हर विजन लाइक रघुवीर अंकल, उनके आशुतोष महाराज शोड हिम शिव हनुमान एंड गणेश जी। सम पीपल आर वेरी लकी, एक जैसे सुखी आंटी हैं, उनको शिव जी के दर्शन कराए। उषा आंटी सियाटल में जो है एमपी अंकल के आंटी, उनको उन्होंने जब बताया, उन्होंने सत्संग मैंने कई बार उनके पर्सनली सुना हुआ है कि किस तरह गुरुजी ने जो शिव मंदिर में जो शिव मूर्ति है उसको उन्होंने आधा शिव रूप और आधा अपना रूप दिखाया आंटी का। आंटी की अमेजिंग जर्नी अंकल ने उस दिन बताया, किस तरह ज्ञान सिंह गुरुजी क्रिएटेड ज्ञान, मतलब टू टेल सब गुरुजी को 3-4 दिन वो बताते रहे। और बाद में उन्होंने, और वो कहते रहे कि मैं 17 साल से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जब बाद में गुरुजी ने अंकल ने पता किया तो उनको पता लगा कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है गुरुजी ने क्रिएट किया। उन्होंने ये भी दिखाया किस तरह से वो एक दिन रास्ता भूल गए, उन्होंने एक नंबर था रंग किया, पूरे डायरेक्शन दिए, जब वापस आके गुरुजी के अंपायर सीट में पहुंच गए एमपी अंकल, तो एमपी अंकल वांटेड टू थैंक द पर्सन हु डायरेक्टेड हिम, तो वी आस्क्ड हिम, तो उनको पता लगा यहाँ तो कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। एक बार मैंने आपको बताया कि सिंगापुर से फ्लाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उनका किस तरह सेप्टोसीमिया कोलैप्स लंग्स क्योर किए, उनकी डॉटर का सीरियल किलर से उसको बचाया, उनकी डॉटर का अस्थमा फॉर विच ही वॉज सो मच ट्रबल्ड, गुरुजी ने एक कल्याण करके उसको ठीक किया, बेटे की जो हिप की ठीक की। आज मैं ये बता सकता हूं कि कई एक ऐसे सत्संग ऐसे गुरुजी के भगत हैं जिसमें एमपी अंकल एक ऐसा है जो ये गुरुजी की महिमा अब नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ये शिवजी महाराज हैं, वो सिर्फ उन पे ध्यान लगाते हैं। मैंने नरेंद्र अंकल से भी पूछा कि आपको, मैं हमेशा जल्दी पूछता हूँ जो ज्यादा अंकल से जुड़े रहते हैं। कल भी मैंने सिगला आंटी से पूछा था या जोशी आंटी से कि आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप भगवान के सामने हैं, तो उन्होंने यही बताया नरेंद्र अंकल ने भी, हालांकि वो इतनी ज्यादा मिरेकल देखते थे, जैसे नरेंद्र अंकल ने बताया कि उनकी डॉटर वॉज बरिड फॉर मंथ मोर देन अ मंथ वॉज डग आउट एंड गुरु जी ने पानी छोड़ा एंड शी वॉज क्राइंग, इतने ऐसे देखे, बट वो कहते कि एंड में हम देखते थे ये तो हम पुरुष हैं। तो इस तरह उनको कभी भी वो नहीं हुआ। मीरा आंटी ने किस तरह उनका स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर की ठीक की, और वो एक कोई बेगर आए बाहर, उनको 2 रुपए दिए, शाम को जब आंटी गई मंदिर तो गुरु जी ने कहा बस 2 रुपए देते सीखे, उनको चेंज बिजनेस करने को कहा, और वो अदरवाइज दे वुड हैव बीन ड्यूप। नरेंद्र ढंग अंकल का आपने बहुत सुना है कि किस तरह गुरु जी के फादर को ट्रीट करने के लिए वो एक डॉक्टर के उन्होंने कहा था कि उसको कॉन्टेक्ट करो फादर को ट्रीट करने के लिए, तो वो जब उस पे गए तो वो डॉक्टर ने कहा कि आई डोंट बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर्स, बट किस तरह गुरु जी ने उसको दिल्ली बुलवाया, और दिल्ली में वो किस तरह गुरु जी के शरण में आया, और उसने गुरु जी को
ने देखते ही उसको कहा कि योर डॉटर इज मेंटल एंड ही क्योर्ड हर. नवीन एंड मीना शर्मा देयर सन शांतनु वाज क्योर्ड ऑफ एपिलेप्सी. देन नूरू भद्वाज भरद्वाज 1995 में जलंधर में हर हस्बैंड वाज क्योर्ड मेनी स्किन एलिमेंट्स. शी यूज टू गो टू वॉशरूम मेनी टाइम्स. गुरुजी मेंशन दिस ऑल्सो एंड शी वॉज ऑल राइट. निकी मल्होत्रा आफ्टर ए टेरेबल कार एक्सीडेंट डॉक्टर गेव हिम 4 years टू रिकवर. गुरुजी क्योर्ड हिम इन 2 years. ऑल्सो शी हैज नरेटेड की हाउ फ्रॉम जलंधर दे केम इन अ घोस्ट कार घोस्ट ट्रेन एंड केम अप टू अंबाला एंड देन टू देयर हाउस. एवरीथिंग वॉज टिकटी बू वॉज टाइड अप एंड दे रीच देयर प्लेस. जितिन जोशी अंकल ने कल ही अपना सत्संग ब्यूटिफुल सत्संग किया था कि किस तरह बॉक्स गुरुजी ने कहा कि लाइट बॉक्स नंबर 13 चाहिए एंड व्हेन द नंबरिंग वाज डन इट वाज 13 एंड ही सॉ एंड किस तरह गुरुजी ने अपने हाथ खोल के उन्हें डेमोन्स्ट्रेट भी किया स्प्रिंग की तरह एक बिग क्रिकेट बॉल साइज लड्डू हाथ में से निकला. वो उसने बहुत ब्यूटिफुल नितिन अंकल ने बताया कि गुरुजी वो कोई जो दवाई देते थे गुरुजी ले लेते थे. कोई होम्योपैथिक दवाई लाया तो 4-5 पिल खा लेते थे. एक दिन ज्यादा गिर गई गुरुजी सादा सारी खा गए और कहते कि मुस्कुरा के कहते नितिन से कि मैं उन जल्दी ठीक हो जाऊंगा. आई थिंक दिस ही वॉज अमेजिंग अमेजिंग शिवजी महाराज. प्रतिमा मेहता की किडनी क्योर की इट सेव्ड हर किडनी ट्रांसप्लांट. देन सिंगला अंकल के तो ऑफकोर्स देर आर सो मच. सिंगला अंकल वॉज ऑलवेज सीन देयर विद गुरुजी. He is the person who used to bring tea, and I think he had become so expert. He used to bring tea tray, puri tray, bhari rehti thi, aur ek haath se pakad sakte the wo. I mean, it was amazing. I think how he used to balance in those big crowd down below, jab sangat hoti thi, bhari hoti thi. Pehle saath sangat ji, pehle shuru mein hum sab prasad bhi andar hi khate the. 98 beginning mein, fir hum dekhte the ki uske baad jhadu lagana padta tha wahan, kyunki kai niche gira dete the. Fir Guruji ne kaha ki bahar karo. फिर उसके बाद वो रेड कार्पेट चेंज हो गया एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. एक बार गुरुजी ने गुरुजी नीमराना में सिकला अंकल की फैक्ट्री इनॉग्रेट करने गए और उन्होंने एक संगत को डिवोटी को पहले ही बता दिया था. उसने कहा कि ये एक महीने पहले गुरुजी ने इसका लेआउट हमको दिखा दिया था. बहल एस के बहल्स आंटी हैड हार्ट प्रॉब्लम. शी ड्रीम दैट गुरुजी ने has operated, she was operated and next day Maharaj said kalyan ho gaya. Tivana aunty ka, she saw Maharaj Swaroop eyes out of photograph. Maharaj showed her his sangat in heaven where her mother was sitting. Showed his Shiv Roop to Sukhi aunty, Usha aunty I just meant it. Shingla aunty day before yesterday narrated ki unko 5 ghante unhone शिवजी जो कैलाश पर्वत के माउंटेन के दर्शन कराए. मैं अब इसको बताऊंगा कि ये एक बड़ा मंदिर जो है ये भगवान ने अपने हाथ बनाया है और इसी करके कहा जाता है कि इसमें कितने सारे धामों की शक्ति है और ये प्रूवन फैक्ट है कि उसमें बहुत शक्ति है. मैं कभी और सत्संग करूंगा कि किस तरह मेरी आंटी को सस्पेक्टेड कैंसर था. मैंने आके वहां प्रे किया. It was not there at all. गुरुजी कोई भी ऐसे दूसरे भगवान नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं उन्होंने अपना मंदिर बनाया. और जलंधर मंदिर में भी गुरुजी खुद बैठे. गुरुजी ने किस तरह से डिफाइंग ऑल द आर्किटेक्चुरल प्रिंसिपल्स हैज मेड दिस डोम जो है ऊपर कि इट इज सस्टेनिंग. महाराज जो है ही वॉज not a form that we behold, that we see. He was not what we see. He was beyond matter. He was beyond limitations of time, space and mass. He was Guruji was, he fooled us. We were fooled, actually. Not he fooled us, we were fooled seeing him in human life. Jaise maine bataya ki kai log samajh gaye hain unko bhagwan, वो अब ज्यादा सत्संग सुनने में नहीं है, वो भगवान के ऊपर है. अब जो ये डिफिकल्ट टाइम है, हम सबको
मिलके भगवान शिव जी महाराज से अरदास करनी चाहिए और अपने हम हमको माफ करें, हमारा वो पुराना अच्छा टाइम जल्दी जल्दी वापस लगाएं, हर किसी को संगत में तंदुरुस्त रखें, आशीर्वाद रखें, सबको बचा के रखें। और जय गुरु जी।